हेलो एवरीवन, रेखास ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे निपुण भारत मिशन से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निपुण भारत योजना कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? तो निपुण भारत योजना लक्ष्य प्राप्ति का समय रखा गया है 2026-27 तक। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? तो निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों में विकसित करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है समझ के साथ पढ़ें, संख्या और भाषा ज्ञान साक्षरता उनके अंदर आए और समझ के साथ आए। पांचवा प्रश्न है, निपुण भारत मिशन में कितने साल तक के बच्चों को यह योजना जो है कितने साल तक के बच्चों के लिए रखा गया है? तो ये रखा गया 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं? तो इसके योजना के स्तर है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य, जिला स्तर, ब्लॉक, स्कूल स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना को किसने लागू किया? तो इसको लागू किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण। निपुण भारत योजना की निगरानी किस एजेंसी द्वारा रखी जाएगी? तो यह रखी जाएगी नोडल एजेंसी द्वारा। 7 डेज रीडिंग कैंपेन कब से आरंभ किया गया है? तो यह रीडिंग कैंपेन जो है यह जनवरी 2022 तक आरंभ किया गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।